तो आज हम बनाएंगे मोमोज। मोमोज बनाने के लिए हम लेंगे एक बर्तन। बर्तन में डालते हैं 1 कप बेसन। आप घर की कोई भी कटोरी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और थोड़ा पानी घेर के इसमें हम कुछ मिलाएंगे नहीं। इसी तरीके का चाहिए तो मैं इसको ढक के फ्रीज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, या ढक के साइड में रख देंगे इसको। मैं इस पर कटोरी लगा दूंगी ताकि इसके ऊपर जो पपड़ी सी वो ना जमे, और इसको मैं फ्रीज में रख दूंगी। तो हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लेते हैं एक बर्तन, और इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था, प्याज, हरी मिर्च, इन सारी चीजों को मैंने पतला कट कर लिया था, जो लाल मिर्च आती है वो, प्याज के पत्ते, और साथ में डाल देते हैं काली मिर्च, नमक। इसमें डाल रही थोड़ा सा घी, आप ऑयल भी डाल सकते हैं घी की जगह, वो आपके ऊपर है। मोमोज वाली चटनी रेड कलर वाली वो डाल देते हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसको रख देंगे हम साइड में। अब इसका हमें क्या करना, पतली छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे इसकी हम, इस तरीके से। किसी बॉल्स तोड़ लेंगे हम छोटी छोटी। तो ये मैंने बॉल्स बना ली हैं, ये देखिए। मैंने सूखा बेसन थोड़ा सा मैदा लिया है इस तरीके से। अभी की स्टिपिंग करते हैं हम, चम्मच लेंगे, चम्मच से इस तरीके से डाल देंगे, और इस तरीके से हम पकड़ के इसको जो साड़ी में सल डालते हैं ना, उस तरीके से आप पकड़ लीजिए इसको, इस तरीके से घुमाते जाइए और छोटी छोटी सिलो डालते जाइए, जैसे कि हम प्लेट्स डालते हैं ना उस तरीके से। इस तरीके से फिर दबा देंगे इसको। आपसे इस तरीके से ना हो तो आप ऐसे कीजिए, इसको इस तरीके से पलट दीजिए, इस तरीके से दबाते हुए। ये बहुत ही आसान है, ये आपसे बन भी जाएगा इस तरीके से। बस इसके हम छोटे छोटे चिलोटे डाल लेंगे इस तरीके से हाथ से। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपसे जरूर हो जाएगा। ये इसे दबा दीजिए, ये देखिए, ये पेरे मास्ट मेकर था। तो इसमें इस पूड़ी को इस तरीके से रख देंगे, और इसमें डाल देंगे स्टिपिंग,
और इसको अब कर देंगे बंद। ये देखिए जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल लेंगे और इसको हटा देंगे। ये देखिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आपको इसके ऊपर रख दीजिए और इस तरीके से पकड़ लीजिए और इसको इस तरीके से दबा दीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ हाथ से इस तरीके से। इतना ही दबाएंगे हम, फिर इसको इस तरीके से करके और इस तरीके से पकड़ लीजिए और इस तरीके से दबा दीजिए। ये मैंने एक कढ़ाई ले लिया, इसमें पहले पानी डाल दिया। पानी आपको आधा ही डालना, इसको भरना बिल्कुल भी नहीं है। पानी को अच्छे से कर लेंगे गरम। मेरे पास ये चलने वाली परात थी, अगर आपके पास प्लेट होता वो भी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर रख देंगे, पानी को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे हम। तो मैं परात को चिकना करूंगी इस तरीके से ताकि हमारे मोमो चिपके नहीं। पानी हमारा गर्म हो गया है तो इस पर लगा देंगे परात। परात में पहले मैंने चिकना कर लिया था, तो अब इसमें उठा उठा के हमारे एक एक मोमोज रख देंगे। इस तरीके तो मैंने सारे रख दिए हैं। गैस को मैं मीडियम कर रही हूँ और 15 से 20 मिनट तक हम इनको स्टीम लगवाएंगे। ये ढक्कन लगा देंगे इनके ऊपर। देखिए अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप चिमटे से पकड़ के निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है, उसे निकाल लीजिए। क्योंकि ये लीजिए मैंने सारे निकाल लिए हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।